वोट फॉर ओनली ओनली अवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तमाम लोगों से अपील करूंगी, प्लीज़ अपनी तमाम लेडीज से अपील करूंगी, अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। पीटीआई जिंदाबाद। इस बार कराची से इंशाल्लाह पीटीआई। और कौन टक्कर देने वाला है पीटीआई को? पीटीआई जमात इस्लामी, उनको तो बॉयकॉट करना था, अपनी इज्जत बचानी थी। उनको पता था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें वो मार पड़नी है कि तारीख भी गवाह रहेगी कि एमकेएम इतनी बुरी तरह से हारना है। कराची में कौन बदलाव ला सकता है इस वक्त? कराची में मेरे हिसाब से बाकी लोगों को तो हम जज कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे हैव बीन हेयर फॉर लास्ट लाइक 20 इयर्स और मोर, लेकिन कराची वर्स से वर्स हो रहा है, एंड फॉर दिस रीज़न आई विल गो फॉर पीटीआई राइट नाउ। हम तो अभी जमात को देंगे, उसी से उम्मीद है कि वो शायद बेहतरी की तरफ ले जाए, बाकी जो किसी से नहीं है भाई, पीपल्स पार्टी है किसी और से। मुल्क के बलदार वोट लाएंगे, कराची के जो टूटे फूटे सड़क के वो सही हो गए, पानी का जो बिजली का है तमाम मुश्किल सब चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ईमानदार कोई बंदा आए तो हो सकता है वोट बाहर निकाले, वोट दे और अच्छा बंदा को वोट दे तो हो सकता है कराची का नसीब अच्छा हो। आप बताइए, कराची में लूट मार, दंगा फसाद और जिस तरह से किडनैपिंग हो रही है, क्या समझते हैं पीटीआई इन सब मामलों में क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं? पुराने लोगों की जारादारी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई चेंजेस आएगा, तो इसके लिए वी विल गो फॉर द पीटीआई। खैबर पख्तूनख्वा इज़ एन एग्जाम्पल फॉर अस कि वहाँ पर जो कुछ बेहतरी आई है, स्टिल देयर आर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और हर लोगों में होता है, लेकिन 3.5 ईयर्स में जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में किया या बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव ओनली वन चॉइस और इनको एटलीस्ट हमें चांस देना चाहिए। वोट डालने में, डालने जाने में, अब तक ट्रेस आउट करने में अपना वोट कोई परेशानी लागू नहीं? अभी तक कोई परेशानी नहीं, मेरा पहले भी है तो इस वजह से कोई परेशानी हुई नहीं। वोट हमारा बड़ा, जहाँ हमारी रिहाइश है उससे बहुत दूर पीछे थोड़ा कच्ची आबादी वाला इलाका था, उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। और आपने वोट कास्ट लेकिन हमने किया, हमने रास्ता ढूंढा, उसको ढूंढा जहाँ जिस कॉलेज में हमें भेजा था और हम पहुंच गए वहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कास्ट कर दिया वोट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने वोट किसको कास्ट किया? जी, वोट फॉर इमरान खान। इमरान खान, यानी इमरान खान के लिए आपने आखिरकार सेंटर ढूंढ करके वोट कास्ट कर दिया? अगर वो इससे भी कोई किसी टफ एरिया में हमें भेजते हैं तब भी वोट कास्ट करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं किसी को। अच्छा, लोगों को आसानी अपनी वोटिंग वगैरह मिल रही है कि भाई कहाँ हमें वोट डालना है, क्या मामलाते हैं? थोड़ी सी मुश्किल आ रही हैं क्योंकि ऑनलाइन जो पोलिंग स्टेशन लिखे हुए आ रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है कि पोलिंग स्टेशन नहीं है, दूसरे में जाना पड़ रहा है, बस ये एक छोटी सी परेशानी है जिसपे लोगों को एक दूसरे तीसरे स्कूल में जाना पड़ता है। आवाम को जो मसाइल पेश आ रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग आए हैं मेरे पास जिन्होंने विज़िट किया, उनके पास ओरिजिनल NIC नहीं है, डुप्लीकेट NIC है, तो ओरिजिनल NIC के विदाउट वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो हम उनको कैंप से ही रवाना कर रहे हैं, ये वोट हमारे ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, और लोगों को ईज़िली अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम वगैरह मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, जिन्होंने 2018 में वोट कास्ट किया था उनका वोट जो है एकदम से ट्रांसफ़र हो गया, किसी का कहीं फेंक दिया, किसी का कहीं फेंक दिया, मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया, हल्के से ही बाहर कर दिया। बहुत सारे वोटर्स मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 में वोट कास्ट किया था इन्हीं स्कूलों में और वो अब आके चेक करवा रहे हैं, तो मतलब उनका वोट कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका है ऑटोमेटिक। धांधली के चांसेस नज़र आ रहे हैं? धांधली के चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ यहाँ पर तो बहुत कम है, बाकी जगहों पे जो हमारे जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ ज़्यादा चांस। कौन कराची का मेयर बनने वाला है? सर, हम तो जमात इस्लामी को वोट देने के लिए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हीं का ही जो है ना वो मेयर बनेगा, क्योंकि इन्होंने माजी में भी काम किया और आइंदा भी जो है ना वो इंशाल्लाह इनके ऊपर उम्मीद है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियों को आवाम ने भी चेक कर लिया और इनका हक भी है कि इनको भी चांस दिया जाए, उम्मीद है कि वो जीतें। क्या वजूहत है आप जमात इस्लामी को ही वोट देने जा रहे हैं? इसलिए कि कंट्रोवर्शियल ये नहीं रहा है इतना और सिर्फ काम करते हैं। सेकंड ओपिनियन कौन होता अगर आपको जमात इस्लामी को हटा दिया जाए तो? देन फिर PTI की तरफ अगर कोशिश होती, लेकिन ये है कि जमात इस्लामी है तो फर्स्ट जमात इस्लामी। जीतने वाला इस बार इंशाल्लाह जमात इस्लामी। जमात इस्लामी बेहतरी की उम्मीद है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद है इस बार, हल सिर्फ जमात इस्लामी और कोई नहीं है, बस और कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए किसी किस्म की परेशानी प्रेशर वोट डालने में आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर जमात इस्लामी बट PTI इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है और वो है PTI। मैं सबसे कराची के तमाम लोगों से अपील करूंगी, प्लीज़ अपनी तमाम लेडीज से अपील करूंगी, अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें।
पीटीआई जिंदाबाद जमात इस्लामी। इन्होंने पब्लिक लेवल के ऊपर लोगों के साथ मिलना जुलना और हर इशू के ऊपर जमात इस्लामी ने तकरीबन पब्लिक के साथ जो है ना सपोर्ट किया पब्लिक को, और पब्लिक भी यही चाह रही है कि जमात इस्लामी चूँकि अब ऐसी जमात है कि जो माजी के अंदर भी एक डिसिप्लिन वाली जमात रही है, और जब भी इनको मौका मिला तो इन्होंने काम किया, और अभी भी जो है ना वो इंशाल्लाह अवाम को पूरी उम्मीद है कि इन्हीं का मेयर आएगा और यही काम करेंगे अवाम की फलाह बहबूद के लिए। कि पीटीआई को कौन टक्कर देने वाला है इस वक्त? पीटीआई फॉर मी इज़ जमात इस्लामी। अगर मेरे पास पीटीआई का ऑप्शन नहीं होता, आई विल गो फॉर द जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो ऑन ग्राउंड्स इज़ वेरी गुड। देखें, दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन गिव द मैसेज एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वन, जहाँ हम सिर्फ घर में बैठ के या बाहर रोड पे डिस्कशन करते हैं कि हमें लूट लिया गया, हमारे रोड नहीं बन रहे। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस थिंग, बजाय बात करने के बाहर निकले, वोट कास्ट करें, देन सी द रिजल्ट, स्टैंड फॉर इट। पीटीआई को टक्कर देने वाला कौन है फिलहाल? पीटीआई अकेली आगे ही आएगी, इसको टक्कर देने वाली कोई और दूसरी जमात नहीं है। कल की आ रही है वोट डालने या आप अपील करेंगे? बहुत कम है, तो जिस तरह से अपील करेंगे कि भाई क्या आप आइए वोट डालिए। बिल्कुल, हमारी अपील है सारी आवाम से कि वो बाहर निकले वोट डालें, ये उनका हक है, वो जिसको बेहतर समझते हैं उनको वोट कास्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जमातें ही अच्छी है, बड़ी जमातों में तो नाम आता है पीटीआई और जो है जमात इस्लामी, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर कोई अपने इलाके के हिसाब से जिससे जितनी अच्छी वर्किंग की होगी, काम किया होगा, तो वो फ्रंट पे आएगा। तो दो ही जमातें हैं कोई तो जो टॉप पे जा रही हैं, और यही इन्हीं में से कोई आगे आएगा ऐसा लग रहा है। कि कराची बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो लोग वोट देने नहीं आए? नहीं, वोट डालें बेशक अपने जो भी पसंदीदा उम्मीदवार उनका है, जो पार्टी है जिसको वो चाहते हैं, कि लेकिन किसी को तो इख्तियार देना चाहिए ना, उनको देना। एमकेएम ने एंड मौके पर बायकॉट कर दिया, क्या कहते हैं? पहले भी जा रहे थे ना कुछ जमातें, ऐसे पीपल्स पार्टी है, नहीं जा रही थी, उन्होंने बायकॉट कर दिया, लेकिन होने चाहिए, पता नहीं कितने अरसे से पेंडिंग में थे। तकरीबन दूसरे लोगों को भी यही उम्मीद है कि ये फाइट करेंगे और पीपल्स पार्टी से जो इनको जो इनके इशू हैं और वो हल करवा के रहेंगे। एमकेएम ने जो है एंड मोमेंट पे बायकॉट कर दिया, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? एमकेएम को तो बायकॉट करना ही था सर, जो उनके मुतालबात थे वो उनके बन नहीं पा रहे थे सिंध हुकूमत के साथ वफाक के साथ, तो उनको तो बायकॉट करना था, अपनी इज्जत बचानी थी। उनको पता था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें वो मार पड़नी है कि तारीख भी गवाह रहेगी कि एमकेएम इतनी बुरी तरह से आ रही है। उम्मीद तो कहा जो अभी अल्लाह बेहतर करे जीते को, बहुत बेहतरीन चल रहा है। लोगों को मैसेज देंगे कि जल्द से जल्द वोट देने बाहर निकलें? बिल्कुल निकलना चाहिए लोगों को, कराची के मुस्तकबिल का सोचना। और फाइनली हमने तो अपना वोट कास्ट कर दिया, क्या आपने किया? जल्द ही बाहर निकलें, कराची को लूट मार करने वालों से निजात दिलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।